म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स जो हैं ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होते हैं और साथ ही साथ में एग्जॉस्टिव भी होते हैं क्लियर अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की क्या डेफिनेशन थी कि टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ़ दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली दो इवेंट को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे अगर वो एक साथ अकर नहीं होते हैं इज दैट क्लियर उसके बाद में एग्जॉस्टिव इवेंट्स वट डू यू मीन बाय एन एग्जॉस्टिव इवेंट

इवेंट ईन ई टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिवेंट्स ई टू यूनियन ई थ्री अपू यूनियन टू एस अब देखिए सेटिस्फाइड हो रही है एग्जॉस्टिव इवेंट की राइट right? इसका मतलब E1, वन ई टू अपू ई एन मान लीजिए हमने ई एन यूनियन मतलब एन इवेंट्स लिए हमने एन नंबर ऑफ इवेंट्स लिए तो ये सब हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स कब कहलाएंगे जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करें फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि कलेक्टिवली जो है इनका यूनियन uh, जो है ये क्या बना दे सैंपल स्पेस मतलब ये किसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एग्जॉस्टिव इवेंट की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्लियर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देखिए ये जो मैंने लिखा है यूनियन आई इक्वल टू वन टू एन ई आई इज इक्वल क्यों लिखा है आपको इसको देखिए कई बार ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कई बार ये आपके कह सकते हैं एम सी क्यूज में भी आ जाता है कि पूछा जाता है कि भाई ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए ठीक है तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे देखिए मैंने क्या लिखा है यूनियन i इक्वल टू वन टू एन ई आई इज इक्वल टू एस इसका मतलब देखिए क्या होता है कि यहां पे i कहां से स्टार्ट हो रहा है one से लेके एन तक जा रहा है n तक जा रहा है और यहां पे यूनियन ऑफ ei आई इज इक्वल टू एस का मतलब क्या हुआ कि हम i की वैल्यू वन से स्टार्ट करते करते n तक रखते जाएं ओके तो इनका यूनियन जो है वो किसके इक्वल होगा एस के इक्वल अब यहां पे आप देख सकते हैं आई इक्वल टू अगर मैं ई e आई की जगह आई की वैल्यू वन रखूँ तो ये क्या हो जाएगा ई वन ओके आई की वैल्यू टू रखू तो क्या हो जाएगा ई टू आई की वैल्यू थ्री रखू तो ई थ्री यूनियन करते करते आई की वैल्यू एन रखू तो कहां तक आएगा ये ई एन इक्वल टू एस अब ये देखिए यही कंडीशन जो है वो ये है ओके okay. तो हायर क्लासेस में जो है इसको जनरली ऐसे लिखा जाता है थोड़ा सा ये लगता है डिफिकल्ट समझने में लेकिन अगर एक बार आप कंसेप्ट समझ गए तो आपको ये चीज अच्छी से क्लियर हो जाएगी टाइम भी आपका सेव होता है आप खुद ही सोचिए इसको लिखने और इसको लिखने में इसमें ज्यादा टाइम सेविंग होता है ठीक है और हायर क्लासेस में जनरली हम ऐसे सिंबल से ही डील करते हैं तो इसीलिए ये समझना भी बहुत जरूरी है सेकेंड कंडीशन क्या होती है ई आई इंटरसेक्शन ई जे इक्वल टू फाइव मतलब यहां पे कोई भी दो इवेंट हैं ई आई और ई जे उनका इंटरसेक्शन किसके इक्वल होना चाहिए एम टी सेट के इक्वल होना चाहिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो इवेंट जो हैं ई आई और ई जे वो साइमल्टेनियसली अकर नहीं हो सकते और यहाँ पे क्या लिखा है फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे अब देखिए इसका मतलब क्या है सपोज करो कि यहाँ पे एन की वैल्यू मैंने फाइव रखी ठीक है सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एन की वैल्यू फाइव रखी तो मेरे कितने इवेंट्स हो गए ई वन ई टू ई थ्री ई फोर और ई फाइव राइट तो यहां पे हम ये देख सकते हैं कि E1 वन इंटरसेक्शन ई क्या होना चाहिए एक नल सेट होना चाहिए E2 टू इंटरसेक्शन ई क्या होना चाहिए एक नल सेट होना चाहिए मतलब एम सेट होना चाहिए E3 थ्री इंटरसेक्शन ई क्या होना चाहिए एक एम टी सेट होना चाहिए ई फोर इंटरसेक्शन ई फाइव क्या होना चाहिए एक एम टी सेट होना चाहिए ठीक है सिमिलरली वन इंटरसेक्शन ई फोर क्या होना चाहिए एक एम टी सेट होना चाहिए तो बहुत सारे कैसे कॉम्बिनेशन बनते हैं अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू जे लिखने का मतलब क्या हुआ है कि इवेंट जो है वो अलग अलग होने चाहिए जैसे आई की वैल्यू यहाँ पे अगर मैंने वन ले ली और जे की वैल्यू अगर यहाँ पे टू ले ली तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी बात करूं E1 और ई फोर की तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है ई वन और जे की वैल्यू क्या है इधर फोर तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे भी आई नॉट इक्वल टू जे है मतलब ई वन और ई फोर जो है वो दोनों अलग अलग इवेंट्स हैं अब अगर यहाँ पे अगर मैं आई इक्वल टू जे कर दूं, क्या कर दूं? i equal to j तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e1 इंटरसेक्शन e1 हो जाएगा क्योंकि i किसके इक्वल है j के इक्वल है तो e1 इंटरसेक्शन e1 जो होता है क्या वो नल सेट होगा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि अगर किसी भी सेट का इंटरसेक्शन आप उसी सेट के साथ कर रहे हैं तो वो कभी नल सेट नहीं आ सकता ओके इसीलिए यहां पे ये यह लिखना जरूरी है कि i इज नॉट इक्वल टू j कहने का मतलब ये होता है यहां पे कि ये दोनों इवेंट्स क्या होने चाहिए अलग अलग होने चाहिए अगर ये सेम ही इवेंट हो गए तो तो नल सेट आ ही नहीं सकता तो इसीलिए यहां पे लिखा गया है कि आई इज नॉट इक्वल टू जे ये कंडीशन समझनी बहुत जरूरी है तो ये कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई कर रही है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई पहली एग्जॉस्टिव इवेंट की और दूसरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की तो कॉम्बिनेशन में ये क्या कहलाते हैं आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स इज दैट क्लियर हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एंड बी बी इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं मान लीजिए कि हमने एक डाई को रोल किया तो उसमें क्या क्या सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस में क्या क्या सैंपल पॉइंट्स आ सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स आ सकते हैं अब मान लीजिए हमने इवन क्या ले लिया इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर मतलब इवन में क्या जाएगा टू फोर और सिक्स और ई मैंने क्या लिया इवेंट ऑफ गेटिंग एंड ऑड नंबर मतलब यहाँ पे क्या जाएगा वन थ्री और फाइव इज दैट क्लियर अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है टू क्योंकि कितने इवेंट्स हैं दो इवेंट्स हैं राइट तो सबसे पहली बात अगर हम ई वन यूनियन ई टू करें अगर हम ई वन यूनियन ई टू करें तो ये इन दोनों का यूनियन हो जाएगा तो यूनियन में मतलब ये दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे दोनों सेट के तो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स ये सबके सब आ जाएंगे तो ये पूरी की पूरी जो है वो सैंपल स्पेस फॉर्म कर रही है ये पूरा का पूरा क्या फॉर्म कर रहा है सैंपल स्पेस इसीलिए फर्स्ट कंडीशन जो है यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है क्लियर सेकेंड कंडीशन हम देखते हैं E1 वन इंटरसेक्शन ई की अगर हम बात करें तो दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं है इसका मतलब यहाँ पे एक नल सेट आएगा तो यहां पे हम देखते हैं कि ये दोनों इवेंट्स ने यूनियन होके एक सैंपल स्पेस बना लिया और इंटरसेक्शन होके एक एम सेट बना लिया इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स की ओके okay. तो इस क्लास एट में जो प्रोबेबिलिटी की आपकी चल रही है इसमें हमने देखा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में जो कि क्या होते हैं जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की भी और एग्जॉस्टिव की भी ओके okay. मतलब हम E1, E2 ई टू अपू ई एन अगर हमने कोई इवेंट्स लिए हैं तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव कब कहलाएंगे जब उनका यूनियन जो है सबका सब इवेंट्स का जितने भी इवेंट्स दिए हैं अगर सबका यूनियन इक्वल टू सैंपल स्पेस हो जाए और किन्नी भी दो इवेंट को अगर इंटरसेक्शन लेने में आपका नल सेट आ जाए कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी दो इवेंट अगर साइमल्टेनियसली अगर ना हो ओके कोई भी दो इवेंट मतलब दोनों इवेंट डिफरेंट होने चाहिए सेम नहीं होने चाहिए अगर कोई भी दो इवेंट जो डिफरेंट हैं अगर आपने उनका इंटरसेक्शन लिया वो एक एम सेट बनाता है या तो हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि अगर दो इवेंट्स जो दोनों अलग हैं अगर साइमल्टेनियसली अगर नहीं होते हैं ओके तो ऐसी अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो क्या कहलाते हैं हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स ओके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी थैंक यू